तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, छत्तीसगढ़ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। तो आज का वीडियो जब जो मुझे तथ्य पता चला जियो के बारे में, उसके बारे में है। तो जिसे जो अब बात इसमें ये आती है कि जियो इसने ऐसा क्या किया कि हम लोग सबके पास आज जियो का सिम कार्ड है। तो जियो ने पहले तो एक फ्री इंटरनेट लेके आया था, और उस इंटरनेट के ज़रिए 1 साल तक हम लोगों ने लगभग लगभग फ्री इंटरनेट यूज़ किया। फिर जियो ने अपने प्लान्स लाने चालू किए, जिसमें उन्होंने पहले तो 5 महीने के लिए 399 का पैक बनाया, फिर वही 399 का पैक जो है वो 84 डेज़ के लिए हुआ, अब वही 399 का पैक जो है वो 70 डेज़ के लिए है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि आप लोगों ने अपने जियो का नंबर काफ़ी इस्तेमाल किया, वो सबके पास आ गया है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, अभी फ़ायदा नहीं हुआ, अब बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब एयरटेल, आइडिया और बाकी सब, वोडाफोन, इन सब ने भी कॉम्पिटिटिव ऑफर्स लाने चालू कर दिए, यानी कि सेम रेट, सेम पैकेज, एवरीथिंग। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि अब सेम पैकेज है और मेरे को लग रहा है कि एयरटेल का नंबर जो सिम है वो ज़्यादा अच्छे से मेरा इंटरनेट पकड़ता है मेरे एरिया में एयरटेल का, और जियो का उतना नहीं पकड़ता, जैसे मेरे यहाँ ऐसा होता है। तो जब मैंने ये बात करी और मैं एयरटेल पर स्विच हुआ, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर जाके एयरटेल देखा और एयरटेल को अपना इंटरनेट का माध्यम बनाया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप अगर ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे अभी मोबाइल डेटा ऑन करूँ, तो आपका एयरटेल जो है वो नो सर्विस आएगा, क्योंकि तो आपका जो नेटवर्क है वो रिफ़्रेश होता है। लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल डेटा ऑन करके यहाँ पे कोशिश करूँगा, देखिए एयरटेल का 4G कनेक्शन आ गया, लेकिन जियो जो है वो गायब हो गया। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास जियो नंबर काफ़ी जगह है, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको जियो का ही सिम यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको अपना जियो, मतलब उसमें आपको पैक डलवाना पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ जियो से इंटरनेट यूज़ करना है तो, और आप चाहते हैं कि ना भी पैक डलवाएं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना जियो नंबर चलाना है, ये बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको अपना जियो नंबर एक्टिवेट रखना है, तो आपको अपना इंटरनेट का जो प्रेफरेंस है वो जियो का सिम को देना पड़ेगा। क्योंकि जियो का सिम जो है वो नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क से नहीं चलता, वो चलता है इंटरनेट से, यानी कि VoLTE। VoLTE का फुल फॉर्म पता होगा, वॉइस ओवर LTE ही होता है। तो जब तक आपका जियो सिम इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस समय तक ही आपका जियो सिम एक्टिवेट रहेगा। भले आप पैक ना डलवाएं, फिर भी उसमें 128 KBPS की स्पीड आती है, लेकिन उस समय भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब कि आपका जो इंटरनेट प्रेफरेंस है वो जियो सिम ही रहना चाहिए, यानी कि कोई दूसरा सिम नहीं रहना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे आपको अपने पुराने सिम में वापस जाना है, उसके पैक यूज़ करने हैं, तो भी आप उसका पैक यूज़ करने के अगर करेंगे, तो आपका जियो सिम जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन वो नो सर्विस दिखाएगा, यानी कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, उस पर अपना कॉल यूज़ करेंगे ना, आप आपका सिम कार्ड से मैसेज जाएगा। जैसे कि एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे दीजिए, अगर आपका जियो सिम, आपके पास 2 4G मोबाइल है, तो आप अपना वो जियो सिम उस 4G मोबाइल पर डाल के बाकी सिम से अपने मेन मोबाइल में नेटवर्क चला सकते हैं। लेकिन अगर सब, जैसे कि आमतौर पर लोगों के पास डबल सिम मोबाइल होता है, उसमें आपके पास 2 सिम है, एक में जियो डला हुआ है, एक में एयरटेल डला हुआ है। अब आप चाहते हैं दोनों सिम काम करें, लेकिन एयरटेल में आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, जियो पे नहीं चलाना चाहते। तो जैसे ही आप एयरटेल पर चालू करेंगे, आपको यहाँ पर दिखा देगा नो सर्विस। तो इसलिए अगर आपको जियो का सिम एक्टिवेट रखना है, तो आपको अपना जियो के सिम को नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि नेटवर्क इंटरनेट में जियो का सिम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक है, क्योंकि बाकी सिम में ये फीचर्स है नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो भी आपका एयरटेल का सिम अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जियो में ऐसा प्रॉब्लम है। और ये क्यों है, क्योंकि वो इंटरनेट यूज़ करता है, ना कि कोई नया मोबाइल टावर या मोबाइल नेटवर्क। तो दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आगे वीडियोस भी आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की वीडियो कम बंद नहीं होने वाले, पर ये मेरे को इन्फॉर्मेटिव लगा तो मैं इसको डाल दिया। हैव अ नाइस डे।